घने जंगलों के बीच मनमोहक जलप्रपात, प्रकृति के सुपहार से कोसों दूर सैलानी, नरहरा वाटरफॉल की भी दिखती है झलक। सीता नदी घूमर झरना नाम से भी प्रसिद्ध, सिहावा नगरी जिला मुख्यालय से करीब 120 किलोमीटर दूर सीता नदी अभयारण्य के घने जंगलों में स्थित सीता नदी घूमर नाम का प्राकृतिक झरना लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। घने जंगल में चट्टानों के बीच से गिरता दुधिया रंग का पानी खूबसूरत नजारा पेश करता है। लोग प्राकृतिक वातावरण का ऐसा नजारा देखकर घंटों तक उनकी खूबसूरती निहारते रह जाते हैं। लेकिन अफसोस कि प्रशासन ने इस मनमोहक जगह को ना तो संवारने का प्रयास किया और ना ही पर्यटकों को इस ओर आकर्षित करने के लिए कोई कदम उठाए गए। यही वजह है कि सैलानी प्रकृति के इस उपहार से कोसों दूर है। सीता नदी घूमर झरना सीता नदी अभयारण्य क्षेत्र में होने की वजह से कई सैलानियों की पहुँच से कोसों दूर है। यहाँ तक पहुँचने के लिए कच्चे रास्तों से करीब 3 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। इसके बाद जो मनमोहक नजारा सामने दिखाई देता है वह सारी थकान को छूमंतर कर देता है। इसके साथ ही मन को सुकून भी देता है। शांत वातावरण के बीच ये स्थल जिले के पर्यटन स्थल नरहरा वाटरफॉल की झलक दिखाती है। तकरीबन 50 फीट ऊंचाई से नीचे की ओर से गिरते इस झरने को देखने से मन को असीमित आनंद होता है। जब बरसात के दिनों में बड़े बड़े चट्टानों से होकर बहने वाली जलधारा बहती है तो इस जगह की सुंदरता पर 4 चांद लग जाते हैं। बहुत ही खतरनाक क्षेत्र में है और सीता नदी जो सीता जी वहाँ पर बाल धोए थे इसके नाम से सीता नदी जाना जाता है। उस ऊपर जस्ट जाओगे आप तो निश्चित ही झरना बहुत ही खतरनाक है और बहुत ही खतरनाक क्षेत्र में है वो झरना। इसके बारे में बहुत लोग यहाँ पर जानकारी लेके आते हैं और वहाँ पर आकर एंजॉय भी करते हैं। उस झरने पर मनोरंजन करने लायक है, बहुत ही सुहाना है वो झरना। तो सीता नदी के पास में झरना जो है और वहाँ पे घूमर के नाम से जाना जाता है वहाँ पे, और वहाँ क्या है आने जाने के लिए दिक्कत होती है वहाँ पे घर, और क्या है अपने आवागमन का साधन भी नहीं है और कोई बाहर से कोई आते हैं दर्शनीय लोग आते हैं तो आने जाने में दिक्कत होती है वहाँ पे। कोई वही आने जाने में तो कोई तकलीफ घूमर के नाम से जाना जाता है। सर कहा जाता है कि कभी यहाँ भगवान श्री राम अपने वन गमन के दौरान इस इलाके से भी गुजरे थे, इस वजह से इस नदी को सीता नदी कहा जाता है। वैसे ये जगह इलाके के लोगों के लिए एक सहज और सरल पिकनिक स्पॉट बन चुका है, लेकिन घूमर झरना और आसपास क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। लेकिन सुविधाओं के अभाव से ये खूबसूरत स्थल अभी तक पर्यटकों की पहुँच से दूर और उपेक्षित है। अगर यहाँ सुविधाएं मुहैया करा दी जाएं, तो ये एक बेहतरीन पिकनिक स्पॉट बन सकता है। सिहावा से के न्यूज के लिए एस कुमार साहू की रिपोर्ट। कोरिया झोला के अंतर्गत